अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं एक नए रेमेडी के साथ अगेन हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने। बहुत ही ईजी रेमेडी हम बनाएंगे और बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जिनके चेहरे पे स्पॉट्स है, दाने धब्बे हैं और पिगमेंटेशन है, और जिनको सन टैन हुआ है। इट्स द बेस्ट रेमेडी। और अपने चेहरे को बनाए खूबसूरत, क्लियर। और ईद से पहले इसको ज़रूर आजमाइएगा। हर रात लगाने के लिए मैं इस क्रीम को बना रही हूँ। तो कैसे बनाते हैं? इसके लिए हम लेंगे 3 पोटैटोज, 3 आलू, ठीक है? इनको अब हम क्या करेंगे इसके साथ, लेट्स सी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। नहीं, पोटैटो जूस, कैन यू सी, जूस इज़ रेडी। नाउ अब क्या करना है हमने, अब इसमें इतने जितना हमने पोटैटो जूस लिया है इतना ही इसमें मिल्क डालेंगे। हाफ ग्लास ऑफ पोटैटो जूस एंड हाफ ग्लास मिल्क। अब मैं इसको करूँगी थोड़ा बॉयल, ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, ठीक है? तो तकरीबन देखती हूँ कितना टाइम लगाते हैं इसको गाढ़ा होने के लिए। हमने रख दिया है फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे, ठीक है? गाढ़ा होने के बाद इस तरह इस फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है? अब ये गर्म है, इसको कोल्ड होने दे, ठंडा होने दे। ठंडा होने के बाद अब इसके साथ हमने क्या करना है मैं बताऊंगी आगे, ठीक है? तो इसको कोल्ड होने के लिए या ठंडा होने के लिए हमने रख दिया साइड पे। ओके, नाउ आई एडेड 4 टेबलस्पून एलोवेरा। सो आई यूज क्लियर एलोवेरा। सो एलोवेरा क्यों डालनी है? क्योंकि हमने इसकी शेल्फ़ लाइफ थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी है, ठीक है? हम इसको तकरीबन 2 वीक तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब और क्या डालना है इसमें? 3 पोटैटो, सो हाफ कप ऑफ जूस, हाफ कप ऑफ मिल्क एंड देन 4 टेबलस्पून एलोवेरा। एंड नाउ आगे हम क्या करेंगे? 3 विटामिन ई कैप्सूल्स। अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
mix them together very well. एक एयर टाइट कंटेनर में इसको सेव कर ले और फ्रीज़र में रखे, ठंडा होने पर इस्तेमाल के लिए ये रेडी है, ठीक है। अब इसको फ्रीज़र में रखे ठंडा होने पर ताकि जम जाए और फिर इस्तेमाल के लिए रेडी।